हेलो एवरीवन, रेंडर्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम केक बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से बनती है और केक बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको आसान केक बनाना सिखाऊंगी। आधी कटोरी कंडेंस्ड मिल्क ले लेंगे, ये ग्राम में 80 ग्राम है, और ऑयल लेंगे वो भी 80 ग्राम ही लेंगे, और ये पीसी हुई चीनी है ये 150 ग्राम है। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। कंडेंस्ड मिल्क में भी चीनी रहती है, इसलिए चीनी की क्वांटिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, और इसे अच्छे से स्मूथ बैटर बना लेंगे। यहाँ पे एक चम्मच मैंने वैनिला एसेंस डाला है, अगर ना हो तो ना डालें। इसे अच्छे से स्मूथ कर लें और इसे अच्छे से फेंट लें। ये देखिए, ये फिट चुका है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें, जैसे कि मैंने मैदा लिया है 1 कप। इसे अच्छे से छान लेंगे, और अब आधा कप मैदा और लिया है। सब मिला के मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, और ये ग्राम में 180 ग्राम है। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। यहाँ पे 1 चुटकी भर नमक लिया है, और इन सभी को अच्छे से छान लेंगे। ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान चुका है। अब हम इसे कर्टन फोल्ड हल्के हाथों से इसे मिलाएंगे, और इसमें दूध डाल डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। देखिए मैं किस कंसिस्टेंसी की बात कर रही हूँ। इसे कट एंड फोल्ड हल्के हाथों से ही कीजिए, एक ही डायरेक्शन में मिलाइए। देखिए इसकी स्मूथ बैटर तैयार है। अब हम इसमें कुछ टूटी फ्रूटी डाल देंगे। घर पर टूटी फ्रूटी कैसे बनाएं, इसका वीडियो मैंने बनाया है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसे जल्दी जल्दी मिला लें, और केक टिन को मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था। इसमें मैं केक की सारी बैटर डाल दूंगी। आधा से थोड़ा ज्यादा ही बैटर डालें, उससे ज्यादा भर के ना डालें। अब मैं टूटी फ्रूटी से इसे सजा लूंगी, और अब मैं इसे बेक करूंगी। तो कुकर को मैंने प्रीहीट कर दिया था, इसमें मैंने डाल दिया है केक को। अब कुकर की विसल और रबर उसको हटा देंगे, और कुकर को बंद कर देंगे बिल्कुल 45 मिनट के लिए। 45 मिनट के बाद ही देखेंगे केक हमारा बना है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी केक थोड़ा सा बचा हुआ है, बीच से पका नहीं है ये। इसे हम 5 से 10 मिनट और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे ही। अब हमारा केक बनकर तैयार है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। इसे 2 घंटे के लिए ठंडा होने जरूर छोड़ दे, तभी जाके डिमोल्ड करें। ये हमारी केक बिल्कुल अच्छे से निकल चुकी है, ये बहुत ही स्पॉन्जी बनी है दोस्तों। ये देखिए कितनी फूल चुकी है केक। ये मैंने काट कर भी दिखाया है आपको, देख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप लोग घर पर जरूर ट्राई करें इसे। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।